नारियल बहुत मन है मुस्लिम जब पूरे कितना सौभाग्यशाली जन गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु धन्यवाद। व्याख्याताओं से मेरा अनुरोध होगा कि वे एक एक कर आए और के मूर्धन्य मनीषी संत मुरारी बापू ने अपने प्रवचन में कहा है कि कोई भी शिक्षण संस्थान कभी समृद्ध होता है जब उसके पास तीन गुण हो। पहला, अध्यापक शीलवान हो, विद्यार्थी बलवान हो और संस्था के संस्थापक कलवान हो, कलावान नहीं कलवान हो, जो आगामी कल के बारे में सोचते हैं। हमारे शासी निकाय के सदस्यगण, विशेषकर सचिव, स्वप्न दृष्टा है। इस महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में परिणत करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सीसीएल बस नहीं दे सकती है, जिला कलेक्टर महोदय भी बस नहीं दे सकते हैं, या झारखंड सरकार तो घर है ही, लेकिन बस की व्यवस्था वो लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा है, हालांकि डिमांड नहीं था, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, हम लोग खास करके बच्चियों के लिए, क्योंकि दूर दराज से आने में काफी कठिनाई होती है, उनको उस रूट में बस चले ताकि उस बस से बच्चियां यहां आएं और यहां करके शिक्षा ग्रहण कर सकें। पूरे हिंदुस्तान में जो वर्तमान में शिक्षा का जो रेशियो है, आजादी मिले 65-66 बरस हो गया, लेकिन आज भी 50% से ऊपर साक्षर लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं है। चूंकि एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, इस गरीब परिवार को उसको अगर कहा जाए कि आप इंजीनियरिंग मेडिकल में जाएं या फिर कॉलेज की जो पढ़ाई है उसमें, तो काफी उसमें कष्ट है। इसलिए हमारे रविंद्र जी ने कहा और प्रिंसिपल साहब ने भी कि मात्र 2400 रुपया में ही हम लोग पूरा उनका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, तो इससे सस्ता शिक्षा और कहां मिलेगा। इसलिए इस महाविद्यालय को आगे बढ़ना चाहिए और जब कभी हमारी आवश्यकता हो, निश्चित रूप से हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और आपने जो शक्ति दिया है वो आपके क्षेत्र में विकास के कार्यों में लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उपलब्धि है जब मिला है महाविद्यालय में भी कमरे पटल पर निश्चित रूप से एक हमारा नाम अभी पुरस्कार मिला है कुछ दिन पहले, वो किस लिए मिला है? किसके द्वारा मिला है?
अम्बेडकर फाउंडेशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री राजनीति मंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तब तक सारा कार्यक्रम यथावत चलता रहेगा। आप आए और अपने